तो जी हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ अपनी दोस्त की ढोलकी के लिए। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक फेस मिस्ट, जिसकी वजह से मेरा फेस मुझे बहुत अच्छा हाइड्रेटेड लगता है। आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यार, एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम, जो भी आपकी स्किन को सूट करती है। ठीक है यार, मैं इतनी दफ़ा वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, पता नहीं इतनी फमलिंग क्यों कर रही हूँ। अच्छा जी गाइज, अभी मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा जी गाइज, वाह वाह यार, क्या तब्दीली आ रही है। अच्छा जब, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल आउट कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा फिल नहीं किया बिकॉज मेरे आईब्रोज ऑलरेडी इतने डार्क है, तो बस खाली जगह को फिल करके मैंने उसे अच्छे से सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया, ताकि मेरे आईब्रोज टच से मस ना हो। भाई पता नहीं इधर टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं। अच्छा जी, आप बताएं, आप कंसीलर से पहले अपनी स्किन को कलर करेक्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि कलर करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपका मेकअप एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। और सबसे मजे की बात, कम प्रोडक्ट भी लगता है, कंसीलर बहुत कम अप्लाई होता है इसके बाद फिर, तो जो कि अच्छी बात है यार। और अब मैं अपने आईलेट पे लगा रही हूँ कंसीलर, ताकि मेरे आई शेडोज खिले खिले लगें और खूबसूरत लगें। जी हाँ, और ये छोटी सी मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ। वाओ अच्छा, मैंने वाओ बहुत बोला इस वीडियो में। अच्छा जी, अब मैंने सेट कर लिया है अपने आईलेट्स को विद वाइट आई शेडो। आप भी वाइट आई शेडो से ही सेट करा करें, वही बेहतर होता है। तो जी हाँ, ये मेरी परंपरा है, मैं सबसे पहले ब्राउन आई शेड ही लगाती हूँ अपने सॉकेट पर। पता नहीं ये कब चेंज होगी, बट हाँ यही सीन है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो, ताकि मैं आज डिफरेंट लगूँ और पहले जैसी ब्राउन शेड्स यूज़ ना करूँ, सिर्फ ब्लैक भी लगा लूँ। सब मुझे शिकायत करते हैं, तुम कभी ब्लैक क्यों नहीं लगाते? तो मैंने भाई आज लगा लिया ब्लैक आई शेडो, खुश हो जाएं आप सब लोग। तो बस अब इसके ऊपर यार, ये पर्पल आई शेडो इतना प्यारा लग रहा था। एक तो मेरे कपड़े भी पर्पल, ऊपर से आई शेडो भी पर्पल। वाह वाह वाह, पर्पल हो रहा था। BTS वाले बच्चे किधर है भैया? तो जी हाँ, मैंने ना ये जो आजकल वो टिकटॉक पे वायरल नहीं चल रहा, एक सब चीज़ें एक ही दफ़ा फेस पे लगा दो, ब्लश ऑन, कंसीलर, फाउंडेशन, वही टेक्निक यूज़ की है। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस टेक्निक। बहुत उम्दा जिसने भी ये बनाई है ना टेक्निक, बहुत सलाम है आपको, बिकॉज मेरा टाइम बहुत सेव हो गया, मेरी मेकअप रूटीन बहुत इंप्रूव हो गई है। मतलब मुझे अपने आप को मेकअप करने में, मतलब मुझे बस जब तक मैं जल्दी जल्दी फटफट मेकअप कर लूँ अपने आप को, बिकॉज मुझे अच्छा भी करना होता है मेकअप, बिकॉज आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो आई हैव टू लुक गुड। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा बस होता है कि जल्दी जल्दी हो जाए मेकअप। वाओ, मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से ये बहुत अच्छा ब्लेंड हुआ है। मुझे बिल्कुल लाइट कवरेज चाहिए थी यार, मेरी अंडर आइज इतनी अच्छी सेट हुई थी यार, मतलब वाओ, आई जस्ट लव इट। अच्छा, अभी मैं ब्रॉन्जर लगा रही हूँ, मुझे ब्रॉन्जर सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, मुझे ब्रॉन्जर इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस का मतलब जो है ना नेचुरल शेडोज वापस आ गए, जो कि होता है। जी अब मैंने लगा लिया है पिंक ब्लश। वाओ यार, बड़ा लिफ्टेड अप लग रहा था, लिफ्टअप भी होना चाहिए आपका चेहरा, गिरी उगाले तो किसी को भी पसंद नहीं होती। हाँ जी, बस मेकअप की टेक्निक आनी चाहिए बंदे को, बाकी सब खैर है। तो जी हाँ, आप थोड़ा सा हाइलाइटर लाइटर हो जाए, ताकि आप थोड़ी चमक छल्लो बन सकें, चमक छल्लो टन 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 टन। अच्छा जी, थोड़ा सा हाइलाइटर इनर कॉर्नर्स पे भी, हाइलाइटर ब्रो बोन पे भी, हाइलाइटर, एंड यू आर रेडी टू गो। लाइक कसम से रेडी टू गो और गुड टू गो, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब मैंने भाई ब्लैक आई शेडो से ही आई लाइनर लगाया, जो कि मुझे आजकल बहुत मतलब मेरी फेवरेट टेक्निक बन चुकी है, बिकॉज ये बहुत ऐसे लाइक ब्लेंडेड लगता है और बड़ा अच्छा लगता है, आई स्वेयर। अच्छा जी, सेकंड स्टेप क्या भाई, इतना बैंड में पहुंच गई हूँ मैं, सेकंड स्टेप कर रही हूँ, सॉरी। अच्छा जी, लिप लाइनर लगा लिया मैंने। लिप लाइनर लगा के जी मैंने थोड़ा सा ना वो क्रोम टाइप का नहीं होता, थोड़ा रेड पीच टाइप के लिप वो किया, और ये छोटी सी ट्रांजिशन होने वाली है। ओ माय गॉड, इस खूबसूरत लड़की। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये ट्रांजिशन पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। एंड कोई ढोलकी शोलकी नहीं, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था, POV, दैट मैं अपने दोस्त की ढोलकी पर जा रही हूँ। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।